नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आपकी फिजिकल प्रक्रिया है उसमें इस बार बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ये चेंज क्या होने वाला है, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद एम के नाम से ये बना हुआ है। फिलहाल बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो देखिए, ये जो है आपका रेडियो कॉलर लगा के होगी वन दरोगा बनने की दौड़। यानी कि देखिए, इसमें न्यूज़ के एक बार देख लेते हैं। प्रदेश में वन दरोगा भर्ती के तहत इस बार होने वाली दौड़ में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को रेडियो कॉलर लगा के दौड़ करनी होगी। आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में वन दरोगा भर्ती 28 और 29 जून को शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। आयोग के सचिव संतोष बड़ू ने बताया कि वन दरोगा का फिजिकल टेस्ट के दो भागों में होने वाले हैं। एक आपका नापतोल है और जिसमें लंबाई और वजन मापा जाएगा आप लोगों का, और दूसरे हिस्से में आपकी दौड़ होने वाली है जिसमें 4 घंटे में 24 किलोमीटर आपको दौड़ना है पुरुष अभ्यर्थियों को। और उन्होंने बताया कि 4 घंटे में 24 किलोमीटर दौड़ के लिए रायपुर स्टेडियम और उसके अप्रोच रूट को चयनित किया गया है जो कि 2 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके 24 किलोमीटर की दौड़ होने वाली है। और इसके देखिए, ये जो दौड़ है वो एक अच्छे तरीके से संपन्न हो इसलिए आपके लिए रेडियो कॉलर की व्यवस्था की जा रही है। एक नई प्रक्रिया, अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर वन दरोगा भर्ती के लिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो वे सभी लोग हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो से। था तब तक के लिए धन्यवाद।